This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh textbook board, Jamshoro. English book 1 for class 9. Unit 3, Education and Careers. इसमें स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 3.3, लैंग्वेज प्रैक्टिस. इसमें सेंटेंसेस की टाइप्स को डिस्कवर करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और इसमें आर्टिकल का यूज़ होगा, वो कैसे किया जाता है ये एक्सप्लेन किया जाएगा इस यूनिट में. यूनिट नंबर 3.3, लैंग्वेज प्रैक्टिस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यूज ऑफ आर्टिकल्स. यूनिट 3.3, इसका फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. In English, we have different types of sentences. Each type is used for a specific purpose. जैसे इंग्लिश ज़ुबान में बहुत सारे सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं, बहुत सारी किस्में हैं. इसमें से कुछ स्पेशल जो शॉर्टली आपको बताई जा रही हैं वो नीचे दो टाइप्स हैं. Below are the two sentences types and the purpose for which each type is used. Number one, declarative sentences. ये डिक्लेयर से वर्ड है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कौन से हैं? सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट आर जनरली कॉल्ड स्टेटमेंट्स, जिनको सिंपल हम स्टेटमेंट्स कहते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे नॉर्मल कोई भी जुमला है वो कहा जा रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है तो वो क्या है, declarative sentence. They can be affirmative or negative. Affirmative का मतलब मुस्बत जुमला, negative मनफी. मुस्बत से मुराद ये है कि इसमें simple information straight forward बयान की जाती है, बताई जाती है, यानी इसमें कोई question नहीं है या negativity नहीं है. जैसे कि I'm tired, ये simple है, इसको affirmative कहते हैं. और I'm not tired, इसमें not का use है, तो मैं थका नहीं हूँ, तो ये नेगेटिव सेंस में है, तो इसको हम नेगेटिव कहेंगे. राहील इज़ हंग्री, ये अफॉर्मेटिव स्टाइल है. और राहील इज़ नॉट हंग्री या इज़न्ट हंग्री, तो नॉट का यूज़ करने से ये नेगेटिव में चला गया. आई हैव फोर पेंसिल्स, अफॉर्मेटिव. और आई डोंट हैव फोर पेंसिल्स, नेगेटिव. सो इन सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव भी कहेंगे. तो जो पॉजिटिव है यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं है उसको हम कहेंगे डेक्लेरेटिव अफर्मेटिव. और जिसमें नॉट का यूज़ है, जैसे आई एम नॉट टायर्ड, तो इसको हम कहेंगे डेक्लेरेटिव नेगेटिव. राइट. सेकेंड टाइप इसके देखिए, इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव जिसको कहते हैं सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव आर सेंटेंसेस दैट वी कॉल क्वेश्चन फॉर्म, यानी सवालिया अंदाज, सवालिया स्ट्रक्चर. क्वेश्चंस जो भी होते हैं इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं. ये सेंटेंसेस यूज़ होते हैं कुछ पूछने के लिए. दे आर यूज टू मेक इंक्वायरीज, टू कंफर्म इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन. दे कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. ये जो सवालिया जुमले होते हैं ये भी अफर्मेटिव यानी सिंपल हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं. जैसे आर यू हंग्री, ये तो एक सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव अफर्मेटिव. इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस. लेकिन इसी को अगर हम नॉट सेंस में यानी नेगेटिव में बना दें, आरंट यू हंग्री, आर नॉट यू हंग्री, अब इसमें क्वेश्चन भी है लेकिन साथ में नेगेटिविटी का, नॉट का भी इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पे ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव. राइट. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिड यू डू योर होमवर्क. अब ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से सिंपल फौरन पता चल जाता है वैसे भी इसके स्ट्रक्चर से कि ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है. तो ये हुआ इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस. लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें, जैसे डिडंट यू या डिड नॉट यू डू योर होमवर्क, यहाँ पे कंट्रैक्शंस यूज़ हुई हैं, यानी जैसे पूरे डिड नॉट को हम डिडंट या आरंट, हैवंट, इजंट, इस तरह करके जब हम शॉर्टली
राइटिंग में या बोलने में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो इसको कंट्रैक्शन कहते हैं. तो देन यू डू योर होमवर्क. यहाँ पे नेगेटिव सेंस में सवाल ही पूछा गया है, लेकिन नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल हुआ इसमें, तो इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है, हैव यू वॉश द डिशेस. ये सवाल पूछा गया है, आपने बर्तन धो लिए हैं. और इसी को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, हैवंट यू वॉश द डिशेस एज येट. अभी तक आपने बर्तन धोए नहीं. तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत प्रिसाइज कर दिया गया आपको. बहुत ज़्यादा टाइप्स बताने की बजाय लैंग्वेज के यूसेज को आसान करने के लिए सिंपली आपको दो टाइप्स यहाँ पे बताई जा रही हैं. ठीक है, एक है डिक्लेरेटिव, इसमें सवाल नहीं होंगे, जो सीधे सीधे जुमले हैं कोई भी सिंपली लें. ठीक है, उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अगर वो बिल्कुल सीधा है, नॉट नहीं है इसमें, नॉट होगा तो नेगेटिव होगा. ठीक है, और अगर नॉट का इस्तेमाल नहीं है तो अफर्मेटिव उसको बोलते हैं. यानी अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल या मस्बत या पॉजिटिव. इसी तरह अगर क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, तो सिंपल हम उनको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया जुमले. अब सवालिया के अंदर भी जो सीधा सिर्फ सवाल है, जहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं है, वो अफर्मेटिव होगा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव. और जहाँ पे नॉट का यूज़ होगा साथ में, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव. यूनिट 3.3 एक्सरसाइज नंबर 1. बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस. नीचे कुछ सेंटेंसेस की लिस्ट दी गई है. अगेंस्ट ईच वन राइट दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इट इज. फॉर एग्जांपल डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. अभी जो आपको एक्सप्लेन किया गया, जनरल टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि आपने ये बताना है कि ये डिक्लेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है, फिर उसके साथ अफर्मेटिव है या नेगेटिव है. सादा जुमला अफर्मेटिव और नहीं वाला यानी नॉट वाला जो है वो नेगेटिव होगा. दैट्स इट. आपने हर सेंटेंस को यही बताना है, और बहुत इजी एक्सरसाइज है ये. इट्स रियली वेरी वेरी इजी. द वन द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जांपल. नंबर वन, सबीहा इज शिवरिंग. सबीहा कांप रही है, उसको सर्दी लग रही होगी. तो एक सिंपल आपको कुछ बताया गया है. ठीक है, तो ये कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, तो आपको फुल स्टॉप यहाँ पे पुट करना है जब आप नोट डाउन कर रहे हो. तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक जुमला. ठीक है, तो इसको कहेंगे डेक्लेरेटिव सेंटेंस है. सबिया इज शिवरिंग, ये क्या होगा, डेक्लेरेटिव अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का मतलब जहाँ पे भी नॉट नहीं है आपने साथ में सिंपल अफर्मेटिव लिख देना. ठीक है, तो डेक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है ये सिंपल. नंबर टू, आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड. क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल गया, और इसके स्ट्रक्चर से भी, कि ये सवालिया जुमला है यानी इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव के साथ एक वर्ड हमने क्या यूज़ करना है, ये अफॉर्मेटिव है या फिर नहीं, यानी अफॉर्मेटिव है या नेगेटिव है. अगर नॉट होता तो हम नेगेटिव लिख सकते, अगर नॉट नहीं है तो जस्ट आप इंट्रोगेटिव लिखो और साथ में अफॉर्मेटिव लिख दो. दैट्स इट. नंबर थ्री, द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कॉलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल. इसमें फुल स्टॉप है, सादा जुमला है, अफर्मेटिव तो आपने लिखना ही है, डेक्लेरेटिव लिख दो साथ में. क्वेश्चन नहीं है तो आपने डेक्लेरेटिव लिखना है, डेक्लेरेटिव अफर्मेटिव. एम आई राइट? नो, आई एम रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है. अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर नॉट लिखा होगा जहाँ भी, तो आपने नेगेटिव लिख देना. तो फुल स्टॉप है, मीन्स कि ये सिंपल जुमला है, डेक्लेरेटिव है, क्वेश्चन नहीं है ये. डेक्लेरेटिव नेगेटिव इसका आंसर होगा नंबर थ्री का, राइट. नंबर फोर, विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी. अब ये क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव लिखें, और इसमें नॉट नहीं है तो नेगेटिव नहीं लिखोगे, आप लिखोगे अफॉर्मेटिव. मीन्स फोर्थ का आंसर क्या होगा, इंट्रोगेटिव अफॉर्मेटिव. नंबर फाइव, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. सिंपल सादा सा जुमला है, इंफॉर्मेशन नेरेट कर रहा है. कौन सी टाइप है ये, डेक्लेरेटिव अफॉर्मेटिव. नंबर सिक्स, देखिए, इजंट दिस योर बुक, यानी इज नॉट को शॉर्ट किया गया, कंट्रैक्ट किया गया, कंट्रैक्शन यूज हुई है. इजंट दिस बुक, इजंट दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब नहीं है. इसमें नॉट भी है, नेगेटिव भी है, और सवाल भी है, तो आप लिखोगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव.
answer. Number 7. Are not you the girl who won the gold medal? अब और नॉट, नॉट का यूज़ भी या नेगेटिव हो गया और क्वेश्चन मार्क है, सवाल ये हो गया, तो आप यहाँ पे क्या आंसर में लिखोगे? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. नंबर 8 देखिए, जमान डज नॉट लाइक टू प्ले हॉकी. अब इसमें नेगेटिव है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, ये सवालिया नहीं है, तो आप लिखोगे डेक्लेरेटिव, नेगेटिव. यूनिट 3.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है? Change all the affirmative sentences in exercise 1 into negative and all the negative ones into affirmative. हमने जो exercise number 2 किया है इसमें sentences जो हमने अभी discuss किए थे कि ये affirmative है या फिर negative है, interrogative है, declarative है, ये सारे sentences को, मतलब affirmative का मतलब ये है जो positive sentences हैं, simple sentences हैं, उनको आपने सिर्फ negative में use करना है, यानी जहाँ पे नॉट यूज़ हुआ है उसको, उसका नॉट हटा दें, जहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं हुआ वहाँ पे नॉट ऐड करते हैं. बहुत सिंपल टास्क है. अभी हम इसको सॉल्व करते हैं. और एक्सरसाइज 3 क्या है? लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द की वर्ड इन ऑल ऑफ देम इज एप्पल्स. ये जो नीचे चार सेंटेंसेस हैं इनमें की वर्ड है एप्पल, आप इनको नोट करते जाइए. देखिए नंबर 1 पे है एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ये सेब सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए. और देखिए इसकी टाइप क्या है, सिंपल सादा जुमला है, इंफॉर्मेशन नरेट कर रहा है, तो क्या हम इसकी टाइप क्या होगी? डेक्लेरेटिव और अफॉर्मेटिव. अगर इसी को हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम नॉट ऐड कर देंगे, यानी आर के बाद नॉट आ जाएगा, दीज एप्पल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये नेगेटिविटी में चला गया, यानी डेक्लेरेटिव नेगेटिव. अब इसी सेंटेंस को अगर हमने क्वेश्चन में चेंज करना है, सवाल ये बनाना है कि क्या ये सेब अच्छे हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं या फिर टेस्टी हैं, जैसे आर दीज एप्पल्स टेस्टी, ये सवालिया हो गया जुमला, क्वेश्चन पूछा गया, तो इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव और साथ में नॉट नहीं लिखा हुआ इसमें तो अफॉर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव अफॉर्मेटिव, राइट. और अगर इसी में नॉट यूज़ करेंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा ये, और क्वेश्चन तो वैसे रहेगा, जैसे aren't these apples raw या फिर और not these apples raw, not का यूज़ कर दिया गया है पूछने के साथ, यानी सवाल के साथ, क्या ऐसा नहीं है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए फॉलो करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप एक सेंटेंस को चेंज करने में डिफरेंट स्टाइल में, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल या अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, इन सब की प्रैक्टिस उसको चेंज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. आप तो हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करते हैं. आप तो जो एक्सरसाइज 2 की इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी कि जो भी एक्सरसाइज 1 में सेंटेंसेस हैं उनमें से जो अफॉर्मेटिव है उसको नेगेटिव में चेंज करें, और जो नेगेटिव है उसको अफॉर्मेटिव में. जैसे कि नंबर 1 है सबीहा इज़ शिवरिंग, तो नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे? सबीहा इज़ नॉट शिवरिंग, तो डेक्लेरेटिव नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट है आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, इसमें नॉट का यूज़ कर लें, और नॉट वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. The stranger was not calling from the hospital. ये not में है तो इसका not हटा दें. The stranger was calling from the hospital. तो ये declarative, negative से declarative affirmative हो जाएगा. Number 4, will you come to my house tomorrow to study? अब ये सवाल है, interrogative है और साथ में affirmative है, लेकिन interrogative affirmative को आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है. जैसे विल यू कम टू, विल यू नॉट कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी, विल यू नॉट, नॉट का इस्तेमाल करें. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? आई डोंट लाइक, आई डू नॉट लाइक टू क्रिकेट, आई डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट. डेक्लेरेटिव फॉर्मेटिव तो है ही, इसको आपने डेक्लेरेटिव को नेगेटिव में चेंज किया. नंबर 7, are not you the girl who won the gold medal? तो not को काट दें क्योंकि negative है, तो इसको affirmative में change करना है. Are you the girl who won the gold medal? इस तरह से हो जाएगा. या फिर number 8 है,
जमान डजेंट लाइक टू प्ले हॉकी. अब डज नॉट है, इसमें से नॉट को फिनिश करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, इसको अफॉर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं. तो अफॉर्मेटिव कैसे होगा? जमान लाइक्स टू प्ले हॉकी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज नॉट की जगह पे लाइक्स आ जाएगा, लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. यूनिट नंबर 3.3, स्टेप 1, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. फर्स्ट इंडिविजुअली थिंक ऑफ अ वर्ड. वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, चार स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लें, यानी मिलके आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें. फर्स्ट इंडिविजुअल, पहले आप इंडिविजुअली यानी खुद से आप कुछ सोचें, एक वर्ड सोचें. जैसे कि प्रैक्टिस में आप क्लूज दिए गए हैं, कोई टेबल या टेलीविजन या बुक, ठीक है, कोई भी आप अपने माइंड में, सपोज आपने बुक सोच लिया माइंड में, ठीक है. देन राइट अ डेक्लरेटिव अफॉर्मेटिव सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड. डेक्लरेटिव अफॉर्मेटिव वर्ड्स, जैसे आई हैव अ बुक, आई लाइक द जियोमेट्री बुक वेरी मच. राइट दिस सेंटेंस ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर एंड अलाइन द मेन वर्ड. व्हेन एवरीवन इन द ग्रुप हैज रिटन अ सेंटेंस, पास द शीट टू द स्टूडेंट सिटिंग ऑन योर राइट. अब क्या है कि सब ने कोई भी वर्ड जो है अपने माइंड में सोच के उसके ऊपर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं. स्ट्रक्चर मतलब सादा जुमला बनाइए आप, पॉजिटिव जो सवाल नहीं हो सिंपल लिखा हो, फिर नॉट का इस्तेमाल करें, उसमें नेगेटिव में चला जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क सवालिया, और फिर सवालिया के साथ मनफी, सवालिया मनफी जैसे होता है, ठीक है. यानी डेक्लरेटिव फॉर्मेटिव, देन उसको चेंज करें डेक्लरेटिव नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव फॉर्मेटिव, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव. और सादा अल्फाज में क्या है कि आपने सादा जुमला लिखना है सीधा, फिर उसमें नॉट का इस्तेमाल करना है मनफी, उसके बाद सवालिया जुमला उसी जुमले को, यानी उसी को सवालिया अंदाज में चेंज कर दें क्वेश्चन में, और फिर उसी क्वेश्चन में नॉट का इस्तेमाल करें, नॉट यूज़ कर दें, ऐड कर दें, इस तरह से. स्टेप 2 क्या है? लुक एट दिस सेंटेंस यू हैव रिसीव्ड. लुक एट द मेन नाउन एंड राइट अ डेक्लरेटिव नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग दैट नाउन एज शोन इन द एग्जाम्पल अबव. जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 2 के बाद जो थी, जैसे एप्पल्स की, कि एप्पल के बारे में ही चारों टाइप्स की, यानी सादा मनफी, सवालिया और सवालिया मनफी, ठीक है, जुमला चारों अंदाज से एक ही जुमला लिखा गया था. तो आप एक दूसरे से, यानी डिफरेंट चार स्टूडेंट हो, डिफरेंट सेंटेंसेस आपके सामने आए, एक्सचेंज हुए, आपने अपना लिख के उसको दिया, उसने आपको दिया, तो आपके सामने जो भी आया है उसके डिफरेंट आप सेंटेंसेस बना लो. यानी सवालिया भी लिखो, मनफी भी लिखो, मनफी सवालिया और सादा. स्टेप 3, वंस एवरीवन हैज रिटन, अगेन पास द शीट टू स्टूडेंट्स ऑन द राइट. एक दफ़ा सब आप लोग कंप्लीट कर लो ये टास्क, तो फिर आपने एक दूसरे के साथ ये शेयर करो, एक्सचेंज करो आंसर शीट्स. फॉलो द सेम प्रोसेस अगेन, आप लोग इसी तरह से जो भी शीट आपके सामने आती है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप उसी से मज़ीद 4 सेंटेंसेस जो हैं वो क्रिएट कर लो इसी स्ट्रक्चर के, यानी अफॉर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी. और एक की नाउन को देख लें उसको यूज़ करते हुए इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करें. कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल ऑल 4 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव रिटन द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड यू गेट योर शीट बैक. मतलब एक्सचेंज करते रहें यहाँ तक कि आपने जो आपने ओरिजिनल स्टार्ट किया था वो आप तक आ जाए. स्टेप 5 क्या है? एड दीज सेंटेंसेस फॉर एनी स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन एरर एंड राइट देम इन योर नोटबुक्स. उसके बाद आप इसकी एडिटिंग करो, यानी रीचेक करो कि हमने स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखा, या कहीं पे स्ट्रक्चर मिस्टेक कर दी, कोई फुल स्टॉप तो नहीं रह गया, क्वेश्चन मार्क तो नहीं रह गया. एडिटिंग करने के बाद आप सारे सेंटेंसेस फाइनली अपनी नोटबुक में लिख लें. And repeat this 2 more times using different key nouns so that all of you have 12 sentences in your notebook. अब इसी प्रोसेस को आप 2 दफ़ा मज़ीद फिर ट्राई करें, फिर इसके ऊपर एक्शन करें, और तकरीबन 12 sentences आप अपने क्रिएटिव जो है अपनी कॉपी में बनाएं या लिखें. अब इस पूरी एक्टिविटी का मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग वे में हम मिल के बैठ के किस तरह से एक चीज़ कि हैबिट को, उसके यूजेज को क्लियर करते हैं, ठीक है. इसमें ये कि जब हम एक ही स्ट्रक्चर को, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे इसमें सादा है, नेगेटिव है, ठीक है, मनफी है, उसके बाद सवालिया है, और फिर मनफी सवालिया है, क्योंकि टेंसेस जब हम कर रहे होते हैं तो ये चारों स्ट्रक्चर जो है उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं.
इन चारों का जब हम डॉजिंग में कर रहे होंगे, ये इस वर्ड का ये भी बनाना, ये भी बनाना, फिर कुछ हो रहा है, उसको बना रहे हैं, उसको बना रहे हैं, जब इतनी प्रैक्टिस हम मिलके थोड़े इंटरेस्टिंग वे में कर रहे होते हैं, तो इससे हमें स्ट्रक्चर कंपोज करने की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, हमें आ जाएगा कि फ़ौरन से सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, या एक वर्ड से तीन चार सेंटेंसेस डिफरेंट स्ट्रक्चर में कैसे कंपोज करने हैं। तो इस एक्टिविटी का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज़ है। और अगर आप अकेले भी हैं तब भी आप ये एक्टिविटी खुद से भी कर सकते हैं, दो चार वर्ड्स कीवर्ड्स लेके उनके ऊपर, हर स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी एक वर्ड से, जिसे मैं कहूँ कि आई हैव मैनी बुक्स, उसको नेगेटिव में चेंज करें, आई हैव नॉट मैनी बुक्स, देन उसका सवालिया बना लें, क्वेश्चन बना, हैव आई मैनी बुक्स, या हैव आई सम बुक्स, और फिर उसको नेगेटिव में कर लें, हैव आई नॉट सम बुक्स, सम काइंड ऑफ कुछ भी। तो इस तरीके से आप एक चीज़ को लेके, एक दो वर्ब को लेके, या नाउंस को लेकर, तो आप उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस बनाएं, इससे आपकी कंपोजिंग की प्रैक्टिस अच्छी होगी। यूनिट नंबर 3.3 में नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या है, के यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। एक्सरसाइज नंबर 4, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद ए एंड द वेयर नेसेसरी। जो ब्लैंक्स आपको दी जाएंगी नीचे, इनको आपने फिल करना है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना है। रिमेंबर दैट ए और एन आर यूज विद काउंटेबल सिंगुलर नाउंस। ठीक है, ए और एन किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर नाउंस, काउंटेबल, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की बात हो रही हो, पेन है, कोई बुक है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ ए और एन मस्ट यूज़ होता है, और ये आर्टिकल उर्दू में यूज़ नहीं होता, इंग्लिश में मस्ट है। सिंगुलर नाउंस के साथ यूज़ होगा, और द किसके साथ यूज़ होता है? दी आर्टिकल जो है वो जैसे प्लेसेस के नेम हो, और पर्सन्स के नेम के साथ नहीं यूज़ होगा, प्लेसेस के नेम। ठीक है, और या किसी भी चीज़ को किसी पर्टिकुलर सेंस में, यानी ख़ास सेंस में इस्तेमाल किया जाए, या उसका रेफरेंस दिया जाए। ठीक है, जैसे द इज़ यूज्ड इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस, जगह का नाम हो उसके साथ यूज़ होता है स्पेशल, फॉर एग्जांपल व्हेन रेफर किया जाए, रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग, किसी ख़ास चीज़ का हवाला दिया जाए। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव जो थर्ड डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, बेस्ट है तो उसके साथ हाली बेस्ट नहीं आएगा, यू आर बेस्ट नहीं, यू आर द बेस्ट, ये सही होगा, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं होगा, द यहाँ पे दी आर्टिकल हम ज़रूर यूज़ करेंगे, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो ये थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। व्हेन यूजिंग टू कंपैरेटिव डिग्रीज टुगेदर, जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रियाँ हैं, कंपैरेटिव कौन सी होती है? सेकंड वाली, जैसे मोर, मोर, मोस्ट। ठीक है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये टॉलर जो है सेकंड वाली, इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, और बेटर जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है, यानी कंपैरिजन, दो चीज़ों में कंपैरिजन यूज़ करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज आ जाएं, तो फिर उनके साथ भी, उन दोनों के साथ दी का यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कुछ दरियाओं के ख़ास नाम हो, समंदर, सीज, माउंटेंस, क्योंकि स्पेशल नाम, जैसे K2 है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, इंडस रिवर हो गया, चनाब, जेहलम, किसी दरिया का नाम, अरेबियन सी, तो इन सब के से पहले दी का इस्तेमाल ज़रूर होगा। उसके बाद बिफोर टाइटल्स, ठीक है, जैसे कोई टाइटल हो, स्पेशल बुक का नाम हो, स्पेशल बुक हो, कोई रेफरेंस में बुक हो, तो जैसे थ्री ब्रेव गर्ल्स, इस तरह की कोई एक बुक हो, तो जब हम स्पेशल में उसको रेफर कर रहे होते हैं तो इससे पहले आएगा दी। इस तरह नेशनलिटीज़, ठीक है, जैसे पाकिस्तान तो कंट्री का नेम है,
लेकिन अगर इस तरह से आया कि पाकिस्तानीज, जापानीज, चाइनीज़, इनको नेशनैलिटीज़ बोलते हैं, नेशनैलिटी इंडियंस, तो इनके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इदारों के कुछ नाम होते हैं, उनके साथ भी दी का इस्तेमाल होता है, द कॉलेजिएट वगैरह, जैसे द मेरिट इन मेरिट। इसके बाद कम्युनिटीज़, कुछ स्पेशल कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ के नेम होते हैं, उनके साथ इसी तरह से, मतलब जो भी चीज़ हम स्पेशल रेफरेंस में यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट में, उसके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स मूव ऑन। यूनिट नंबर 3.3, वॉवल वॉइस, ए एंड दी, ये क्या है? आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बताई जा रही है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवल लेटर्स के साथ एन का इस्तेमाल होता है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली ठीक है रूल, लेकिन 100% वो रूल ठीक नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली उसका ये मतलब है कि वॉवल लेटर नहीं, वॉवल वॉइस, यानी वॉइस जो वर्ड हम अदा करते हैं, जो पढ़ते हैं, अदायगी, स्टार्टिंग में जो भी फोनीम होते हैं, जैसे किसी वर्ड का साउंड होता है, स्टार्टिंग साउंड, ठीक है। जैसे बुक है, तो बुक में ब का साउंड है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ब, बे का साउंड, ठीक है। तो उस साउंड को देखना है, जो वॉवल साउंड होता है किसी भी लेटर का, जब आपने ए और एन को चूज़ करना हो, तो लेटर को पढ़ के देखें और फिर देखें कि उसको पढ़ने में साउंड, स्टार्टिंग का साउंड क्या है, यानी स्टार्टिंग लेटर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉवल लेटर पढ़ना, तो उसकी आवाज़ कैसी है। अगर वो वॉवल वॉइस है तो तब आपने एन यूज़ करना है, और अगर उसकी वॉइस जो है वो वॉवल नहीं है, उसका साउंड वॉवल नहीं है, तो फिर आपने ए यूज़ करना है, ठीक है। सपोज़ ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेफ्ट साइड पे देखिए, एन अमेरिकन, अब ये वर्ड है ए, लिखा हुआ अमेरिकन, अमेरिकन ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए वैसे भी वॉवल लेटर्स में है, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए ई आई ओ यू, फाइव लेटर्स हैं, इनके साथ आपने एन का यूज़ करना है, बिल्कुल यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एन अमेरिकन। लेकिन हमने जो नोट करना होता है वो ये करना है कि अमेरिकन को पढ़ के देखें, अ, अलिफ का साउंड है, अलिफ, अलीमदा, हमज़ा, कुछ भी इस तरह का अ साउंड, यानी कि अ जो हमारे हलक से अंदर से जो वॉवल साउंड आता है, क्योंकि आवाज़ें, जब आप अरबी सिपारा पढ़ते हो, कुरान पाक पढ़ते हो, तो आपने साउंड्स के कुछ फंक्शंस काफ़ी सारे उनकी प्रैक्टिस की होती है तजवीद के दौरान, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि साउंड्स का अपना एक सिस्टम होता है बोलने का, ठीक है, उसके ऑर्गन्स होते, ओरिजन्स होते हैं, कहाँ से कौन सा साउंड आता है। तो जो वॉवल साउंड है, तो सिंपल समझने के लिए ये बात है, सादा अंदाज में, किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर या वर्ड की अदायगी जब अलिफ से या अ इस तरह के वॉवल साउंड से स्टार्ट हो, तो आप एन यूज़ करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी अमेरिकन अलिफ से, यानी अगर हम इसको उर्दू में रोमन में लिख के देखें तो अमेरिकन, और इंग्लिश में भी ये अ साउंड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एन आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, एन हॉनेस्ट मैन, अब हॉनेस्ट तो इसको नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, अब ऑनेस्ट, लेकिन लेटर क्या लिखा हुआ है, एच, तो एच जो है वो वॉवल लेटर नहीं है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है, तो फिर यहाँ पे एन क्यों आया, यहाँ पे वो फार्मूला गलत हो गया। एक्चुअली फार्मूला ये है कि वॉवल लेटर्स नहीं, वॉवल लेटर्स मीन्स के लेटर्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ का साउंड देखिए अगर, तो वो साउंड वॉवल है इस लेटर का, देन यूज ए एन, उसका एक्चुअल मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट यानी अ वॉवल साउंड, अलीफ का साउंड है या अलीफ मदा या हमजा टाइप, अ अ इस तरह का कोई भी साउंड ये दे रहा है वर्ड, जो वर्ड वॉवल साउंड दे उसके साथ आप एन यूज़ करो, एन ऑनेस्ट मैन, ओके। हालांकि लेटर इसका कांस्टेंट है, एच वॉवल नहीं है, एच कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि इसका साउंड जो है वो वॉवल है, इसलिए इसके साथ एन यूज़ होगा। अब इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एन एम ए, अब एम जो है वो भी कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड क्या है, एम अ अलिफ से स्टार्ट हो रहा है,
वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जब इसको बोलेंगे, बोल के देखेंगे, या इसको आप उर्दू में लिख के देखिए, एम ए अलिफ ये मीम एम लिखेंगे अलिफ आया स्टार्ट में, तो बहुत सिंपल ये आइडेंटिफिकेशन है और एक टिप है ए और एन के डिफरेंस को समझने के लिए। ठीक है, तो क्या आपने फोकस क्या करना है कि वॉवल साउंड को फोकस करना है, कि वर्ड पढ़ के देखें उसकी आवाज़, उसकी अदायगी किस से शुरू हो रही है। अगर वो वॉवल से शुरू हो रही है तो आपने एन लिखना है, इसलिए एन एम ए, एम कॉन्सोनेंट है लेकिन बोलने में वॉवल ही है एम ए, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। इसी तरह ए यूरोपियन, आ यूरोपियन। ठीक है, अब इसमें ई वॉवल लेटर है लेकिन स्टार्ट ये किससे, किस साउंड से हो रहा है, य, वाई का साउंड है, य, ये का साउंड है, तो ये ना अलीफ में है ना वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आ यूज़ होगा, आ यूरोपियन। यहाँ पे भी वो वाला फार्मूला गलत हो गया और ये साउंड वाला फार्मूला। इस तरह से एन इफेक्टिव, ई लेटर भी है लेकिन इसका साउंड भी वॉवल ही है। इस तरह अ गुड स्टार्ट, गुड, ग, साउंड भी कॉन्सोनेंट है और लेटर भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए यूज़ होगा। ठीक है, तो मेन जो 100% फार्मूला है वो है वॉवल्स वॉइस का, वॉवल साउंड का, नॉट द लेटर्स। सो आप इसको माइंड में रखिए, ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला है या एक आइडेंटिफिकेशन है जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी, और बिल्कुल आप डेड श्योर होके ए और एन आर्टिकल का यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल बिल्कुल फिट यूज़ होगा। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस आप करके देखिए इंडिविजुअल स्टडी से या एग्जांपल्स से। यूनिट नंबर 3.3 की एक्सरसाइज नंबर 4 है, यहाँ पे आपने आर्टिकल्स अप्लाई करने, ये सारी जो ब्लैंक हैं ये बुक में एक्सरसाइज दी गई है, तो आपने कॉम्प्रिहेंड करते हुए इसको फिल करना है। ठीक है, नंबर 1 पे है आई नो दैट डैश इंडस, अब इंडस क्या है, दरियाए सिंध का नाम है। ठीक है, ये रिवर का नेम आ गया, देखें। और एक और बहुत इजी कॉन्सेप्ट कि जो भी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, कोई भी वर्ड हो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज होता है। ओके, तो अगर कोई और वर्ड विद इन सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर कोई और कैपिटल लेटर से किसी प्लेस का नाम होगा, वो प्लेस का नाम होगा डेफिनेटली या किसी पर्सन का होगा, तो आप उसके साथ दी यूज़ करो। ठीक है, जैसे आई नो दैट द इंडस इज द लॉन्गेस्ट, अब यहाँ पे भी दिया आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट है। जैसे पहले बताया था कि डिग्रीज हैं डिफरेंट, फर्स्ट डिग्री होती है, फिर कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है एडजेक्टिव्स की, तो जो सुपरलेटिव यानी थर्ड वाली एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, उसके साथ दी ज़रूर यूज़ होता है। ठीक है, मस्ट, तो ये थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की, इसके साथ भी आप दी आर्टिकल यूज़ करोगे। I know that the Indus is the longest river in Pakistan. अब next sentences भी हैं सारे, ठीक है, तो इनका solution जो है वो next slide में है। आप इनको कोशिश करें comprehend करने की, खुद से guess करें, खुद से इंसान self study करता है, guess करता है, तो उसको ज़्यादा समझ में आता है और वो सीखता ज़्यादा है। उसके बाद edit करने के लिए, verify करने के लिए answers देखने चाहिए, और इससे हमारी करेक्शन हो जाती है, उससे भी हम सीखते हैं डेफिनेटली। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, इसमें इसका, इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन है स्टूडेंट, यहाँ पर आप फोकस करें और अपने आंसर्स टैली करें, अगर आपने खुद से भी किए हैं, नहीं तो आप फिल आउट कर लें ब्लैंक्स। नंबर 1, आई नो दैट द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, यहाँ पे दी का यूज़ हुआ है दो दफ़ा, इंडस से पहले और लॉन्गेस्ट से पहले। नंबर 2, इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज वी नीड टू थिंग्स, अ गुड टीचर एंड द विल टू वर्क, लैंग्वेज से पहले ए यूज़ हुआ है, फिर गुड से पहले ए यूज़ हुआ है, और विल से पहले द यूज़ हुआ है। नंबर 3, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, कैपिटल से पहले यहाँ पे दी आर्टिकल यूज हुआ है। देन नंबर 3, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, एंड नंबर 4 इज सम पीपल हैव बाइसिकल्स, सम हैव अ कार, आई हैव द बोथ, यहाँ पे बाइसिकल्स
के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ, लेकिन कार से पहले एक है, लेकिन नाउन है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यानी कि उसको हम काउंट भी कर सकते हैं. और द बोथ, मेरे पास दोनों हैं, ठीक है. तो दोनों का जिक्र पहले से आ चुका है, यानी बाइसिकल का भी और कार का भी, इसलिए दोनों को यहाँ पे रेफर किया गया, यानी रेफरेंस दिया गया उनका. पर्टिकुलर सेंस में ये वर्ड आया कि इसमें बाइसिकल और कार दोनों की तरफ इशारा है, दोनों को रेफर किया गया, इसलिए इसके साथ हमने दी आर्टिकल यूज़ किया. नंबर फोर हो गया. अब नंबर फाइव देखिए. इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट द एज ऑफ फाइव. यहाँ पे दी यूज़ हुआ एज से पहले. नंबर सिक्स, दे आर स्टडिंग जियोग्राफी एंड इन पर्टिकुलर द जियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. नंबर सेवन, हर फ्रेंड लव्स ईटिंग एन ऑरेंज एट ब्रेकफास्ट टाइम कॉमा एन एप्पल विद हर लंच एंड अ बनाना एट डिनर टाइम. नंबर एट, माई मदर सेज द मोर यू एक्सरसाइज द बेटर योर हेल्थ. यहाँ पर देखिए कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दो डिग्रीज यूज़ हुए हैं, दो कंपेरेटिव डिग्री, जैसे मोर और बेटर, तो उनके साथ दी आर्टिकल यूज़ हुआ है. ये भी आपने ऊपर इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन में. नंबर नाइन इज द चाइनीज आर हेल्पिंग द पाकिस्तानीज टू बिल्ड अ रोड फ्राम गवादर टू द चाइनीज बॉर्डर. ठीक है, पाकिस्तान के साथ वो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तानीज, यहाँ पे एन के साथ आई एस आएगा, पाकिस्तानीज लिख लें. ठीक है, द चाइनीज आर हेल्पिंग द पाकिस्तानीज टू बिल्ड आर रोड फ्राम गवादर टू द चाइनीज बॉर्डर. नंबर टेन, एन इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज थिंक्स बिफोर स्पीकिंग बट मैनी पीपल जस्ट से वट एवर कम्स टू देयर माइंड. अब यूनिट नंबर 3.3, इसकी एक्सरसाइज नंबर 5 है. वर्क विद अ पार्टनर एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स. अब आपने इस एक्सरसाइज में भी जो भी ब्लैंक्स हैं, इनमें भी आर्टिकल्स का यूज़ करना है, आर्टिकल्स के साथ आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत हो, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लैंक्स भी हैं यहाँ पर. देयर आर 5 एक्स्ट्रा ब्लैंक्स वेयर एन आर्टिकल इज़ नॉट नीडेड. तो ये एक्सरसाइज है, जैसे इन डैश पुअर जू आ पाकिस्तान डैश लायन वॉज वेरी सैड एज ही वॉज गिवन ओनली 1 kg ऑफ मीट. अब आपने क्या करना है कि पूरी एक्सरसाइज को सॉल्यूशन देखे बगैर पहले खुद से आप पढ़ें इसको और गेस करें पेंसिल के साथ. आप लिखते जाइए आर्टिकल्स कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ डी आएगा और कहाँ कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, और इसके बाद करने के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन है, आप उस सॉल्यूशन को देखें और वहाँ से आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और करेक्शन कर सकते हो. सो लेट्स मूव ऑन. ये भी उसी का पार्ट है, उसी एक्सरसाइज का पार्ट है, एक्सरसाइज 5 का. ठीक है, ये सारी ब्लैंक्स जैसे ऑन इट्स फर्स्ट डे आफ्टर अराइवल डैश लायन वाज ऑफर्ड डैश बिग बैग सील्ड वेरी नाइसली फॉर ब्रेकफास्ट फुल स्टॉप डैश लायन ओपन्ड इट क्विकली बट वाज शॉक्ड टू सी दैट डैश बैग कंटेन डैश व्यू. इस तरह आप सेल्फ स्टडी इनकी कंप्लीट करें और इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में. एक्सरसाइज नंबर 5 के आंसर्स हैं, सॉल्यूशन है. यहाँ पे हमने ब्लैंक्स में आर्टिकल्स के साथ उनको फिल करना था, ब्लैंक्स में आर्टिकल्स लिखने थे ए एन या दी, और कुछ ब्लैंक्स में कोई आर्टिकल नहीं आना था. तो आप तवज्जो से सुनिए और इसकी करेक्शन कर सकते हैं आप. लेट्स स्टार्ट इट. इन अपवर्ड जुआ पाकिस्तान A lion was very sad as he was given only 1 kg of meat a day. The lion thought he was the luckiest lion on earth when one day the manager of Dubai Zoo visited the zoo. The lion was
upset and he requested the zoo management to shift the lion to Dubai Zoo. The lion was very happy and started thinking of having an air-conditioned cage and a banana bag to eat every day. On its first day after arrival, the lion was offered a big bag sealed very nicely for breakfast. The lion opened it quickly but was shocked to see that the bag contained a few bananas only. The lion thought that since he had recently come from Pakistan, maybe the management was worried about upsetting his stomach, so that they had given him the bananas. Unit 3.3, exercise 5 ka solution, carry on hai. The next day, the same thing happened. On the third day, again, when the same food bag of bananas was given to him, the lion stopped the delivery boy and shouted at him, "Don't you know I am a lion, the king of a jungle? What's wrong with the management of this zoo? What nonsense is this? Why are you delivering bananas to me?" The delivery boy politely said, "Sir, I know you are the king of a jungle, but you have been brought here on a monkey's visa." The moral of the story is better to be a lion in your own country than the monkey elsewhere. Very interesting story. And I hope that you have all the answers or blanks इनको टैली कर लिया होगा, देख लिया होगा या उनकी करेक्शन कर रही होगी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्टर ऑफ अल्पाइन अकेडमी.